रिया की फैमिली या मेरी फैमिली? वाह, मैं अपनी फैमिली को चूज कर सकती हूँ, तब तो मैं पक्का रिया की फैमिली चूज करूंगी। आखिर मैं भी तो देखूं कि उस रिया की लाइफस्टाइल है कैसी। हाँ, ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ पे आ गई? रिया बेटा, रिया जल्दी आ, तुम कॉलेज के लिए लेट हो रही हो। अच्छा, तो ये रिया का घर है। वाओ, इसके घर में सब कुछ कितना अच्छा है, मानना पड़ेगा रिया की लाइफस्टाइल कूल तो है। रिया बेटा, पापा बुला रहे हैं। हाँ मम्मी आई। हाँ पापा बोलिए। अरे रिया बेटा, अभी तक तुम तैयार नहीं हुई। लेकिन पापा मैं तो रेडी हूँ। क्यों बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, तुम कभी ऐसे सिंपल ड्रेसेस पहन के कॉलेज नहीं जाती हो। पापा, वो मुझे मेरी ड्रेस नहीं मिल रही थी। ओ अच्छा, तभी मैं कहूँ। अच्छा वैसे मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया था, जाओ इस ड्रेस को पहन लो। हाँ पापा, अभी पहन के आती हूँ। यार ये रंग तो मुझे सच में रिया समझने लगे। वैसे वो रिया कहाँ गई? कहीं वो मेरी फैमिली में तो नहीं चली गई? अगर ऐसा हुआ तब तो बहुत मजा आएगा। जल्दी से अभी ड्रेस पहन लेती हूँ। यार ये ड्रेस तो काफी एक्सपेंसिव लग रही है। क्यों, लेकिन तुम्हें तो ऐसी एक्सपेंसिव ड्रेसेस अच्छी लगती हैं। हाँ पापा, बहुत अच्छी ड्रेस है। अच्छा ठीक है मम्मी पापा, मैं फाइनली कॉलेज जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। रिया बेबी, तुम कॉलेज कैसे जाओगी? पैदल। नहीं, ये हमारी रिया नहीं हो सकती है। हाँ अब क्या हो गया, कहीं इन्हें शक तो नहीं हो गया कि मैं रिया नहीं हूँ? क्या करूँ? क्या हो मम्मी पापा, आप दोनों ने ऐसे क्यों रिएक्ट किया? क्योंकि तुम सुबह से बहुत वियर्ड बिहेव कर रही हो, हमेशा कह कि तुम रिया की डुप्लीकेट हो। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सोचा मैं पैदल जाऊंगी तो मेरी वर्कआउट भी हो जाएगी। ओ अच्छा ये बात है, लेकिन तुम लेट हो गई हो, जाओ कार से चली जाओ। ओके पापा। हाँ मैं तो बाल बाल बच रही हूँ, ये रिया की लाइफ जीना तो काफी खतरनाक है। हाँ क्लास का टाइम हो गया, आज तो सर पक्का मुझे मार डालेंगे। सर मैं एक कमेंट, मुझे पक्का पता, ये दीमक सर मुझे देखते ही पहचान जाएंगे कि मैं रिया नहीं हूँ। रिया बेटा, आज तो तुम लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, जाके अपने सीट पे बैठ जाओ। ओके सर। सर प्रेजेंट प्लीज, मेरा अटेंडेंस लगा दो। बेटा मैंने तुम्हें पहले प्रेजेंट कर दिया है। क्या बात है, लेट से कॉलेज में आने के बाद भी प्रेजेंट दे दिया दीमक सर ने? मैं रहती तब तो ऐ करते हैं। मैं तब से देख रही हूँ, आखिर ये रिया के बच्चे गायब कहाँ हो गए? एक्सक्यूज मी, अभी टाइम क्या हो रहा है? रिया तू? हाँ प्रगति, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को चूज करने के लिए? नकचड़ी कहेंगी। क्योंकि मुझे देखना था कि तेरी लाइफस्टाइल है कैसी। बाय द वे, तूने किसकी फैमिली चूज की है? तेरी फैमिली। और बाय द वे, मैंने नहीं चूज किया था, वो तो मुझे तेरी वजह से मिल गया। मैंने बहुत कुछ सह लिया, अब मुझे मेरी फैमिली वापस कर, समझी? अभी तो नहीं, मैं बाद में सोचूंगी, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत सारी मस्ती करनी है। प्रगति मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, एक बार ये सब सही हो जाने दे। मैं घर आ गई मम्मा। हाय बेबी। अरे मम्मी आप ये सूटकेस क्यों रेडी कर रहे हो? नहीं बेबी, मैं बस इसमें पुराने कपड़े रख रही थी अपनी मेड को देने के लिए। ये और पुराने कपड़े, इतने सुंदर कपड़े तो मैंने अपने नसीब में नहीं देखा है। क्या हुआ बेबी, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मम्मा, आप ही बहुत अच्छा काम कर रहे हो। ये रिया की मम्मी उसकी तरह बिल्कुल नहीं है, आंटी तो काफी काइंड है। मम्मी बोलना है मुझे। मम्मी आज रात तो मुझे नींद भी नहीं आने वाली है इस घर में, पता नहीं रिया का क्या हाल हो रहा होगा मेरे घर में। इतनी रात को कौन आया होगा यहाँ पे? यार इतनी रात हो गई है, कुछ दिख भी नहीं रहा, आखिर इतनी रात को आया कौन है? ये तो रिया के पापा हैं, और इतनी रात में इनके हाथ में ये सूटकेस क्या कर रहा है, और ये आदमी कौन है? गुड मॉर्निंग रिया बेबी। गुड मॉर्निंग मामा। मैम ये रही आपकी मॉर्निंग कॉफी, थैंक्स। और प्रिंसेस रिया ये रही आपकी ग्रीन टी। थैंक यू आंटी। अच्छा आंटी, मम्मी ने आपके लिए सूटकेस में कपड़े पैक करके रखे हैं। आप मैंने कोई सूटकेस में कपड़े वगैरह पैक नहीं किए हैं, और तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ अपना काम करो। ओके मैम, सॉरी मैम। ये मम्मी को क्या हुआ? उनकी तबीयत तो ठीक है, उन्होंने ये तो कल बोला था कि वो कपड़े उसे देंगी, तो फिर क्या हो गया? विजय रिया सूटकेस के बारे में बोल रही थी, लगता है उसे शक हो गया। ये क्या कह रही हो, बेबी को कैसे पता चल गया? लेकिन डोंट वरी, वो सूटकेस मैंने पहले किसी और को दे दिया। क्या सच में? मैं तो डरी गई थी। मतलब कल रात जो रिया के पापा वो सूटकेस दे रहे थे वो वही सूटकेस था? ऐसा क्या था उस सूटकेस में जो मम्मी पापा मुझसे छुपाना चाहते हैं? चूज करो वरना तुम जिंदगी भर इधर ही रह जाओगी। आपको क्या लगता है, ये वापस अपने घर चली जाएगी या रिया के ही घर में रहेगी? सीजन 2 चाहिए तो इस वीडियो पे 100K लाइक्स कर दो। और हाँ, अगर आप सोच रहे हो कि अभी आप बोर हो गए, तो ऐसा नहीं है, कमेंट में मैंने एक वीडियो का लिंक दिया है, जाके वो देख लो और एंजॉय करो।